वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। और आज का वीडियो जो होने वाला है वो बेसिकली हम पाइथन पे काम करेंगे। मेरी लास्ट दो वीडियो मैंने जो पोस्ट किए हैं वो पाइथन पे हैं, और पाइथन में मैंने बेसिकली बताया है आपको कि हम डेटाबेस पे कैसे काम करते हैं। और दोनों वीडियो में मैंने डिफरेंट प्रोसीजर को यूज़ किया है। एक वीडियो में मैंने आपको पूरा डेटाबेस मैनेज करना सिखाया है पाइथन के थ्रू विद द हेल्प ऑफ जैम। जैम बेसिकली इज़ यूजिंग फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। तो जितने भी PHP डेवलपर्स वगैरह होते हैं वो बेसिकली इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नाउ फिर उसके बाद हम बात करते हैं अगर इन टर्म्स ऑफ DBA, तो जितने भी कंपनी में DBA या आप बोल दीजिए डेटा एनालिस्ट या फिर जितना भी डेटाबेस पे काम करते हैं डेवलपर्स, वो क्या करते हैं बेसिकली दोज पीपल आर यूजिंग दी वर्क बेंच, आइदर दे आर यूजिंग दी MySQL सर्वर। तो हमने जो प्रीवियस वीडियो है वो MySQL सर्वर पे रिकॉर्ड करके आपको पूरा समझाया है हाउ यू कैन परफॉर्म दी कर्ड ऑपरेशन। हमारा यहाँ पे अभी मेजर टारगेट है कि हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क को यूज़ करके उन पे कर्ड ऑपरेशन लगाना आपको बता रहे हैं। आज हम जिस पे काम करने जा रहे हैं द टॉपिक नेम इज़ हाउ यू कैन वर्क ऑन दी MySQL पार्ट विद दी हेल्प ऑफ वर्क बेंच। जो हमारा MySQL का वर्क बेंच है उसको हम यूज़ करेंगे एंड यूज़ करके क्या करेंगे कर्ड ऑपरेशन लगाएंगे। लेकिन ये ऑपरेशन हमारा किसकी हेल्प से लगेगा, पाइथन की हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आज मैंने थोड़ा कुछ चेंजेस किए हैं, थोड़ा सा छोटा सा सेटअप किया है जिसमें आज आपको मेरा एक गंदा चेहरा भी नज़र आ रहा होगा, तो ये चेहरा आपको नज़र आता रहेगा आगे भी। और उम्मीद करते हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी में आपको ये फेस आपको दिखता रहे ताकि हमें मौका मिले डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने का और आप लोगों को वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने का। इसके अपार्ट एक छोटा सा मैंने माइक सेटअप कर लिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वॉइस अब माइट भी क्लियर आ रही होगी। एंड लास्ट वीडियो में जैसा कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, मैंने वो मेरे पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर नहीं था तो उस पर वाटरमार्क यूज़ हो रहा था, तो इस बार मैंने एक ऐसा फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ किया है जिस पर कोई वाटरमार्क वगैरह यूज़ नहीं होगा, और मैं इसको लास्ट में बताऊंगा भी आपको कि मैं किसको यूज़ कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग दी टाइम। और इस समय टाइम भी बज रहा है, इस समय मिडनाइट 12 PM, तो रात के 12 बज गए हैं और हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं जितना भी अपना टेक्निकल काम है और रिकॉर्डिंग काम है वो अपनी गुड़िया के सोने के बाद ही कर सकता हूँ, वरना पॉसिबल नहीं है उसके जगने पे। तो ओके, तो इसके लिए हमारी प्री रिक्वेस्ट हम समझ लेते हैं। देखिए जब भी हम टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं तो हमें जिस भी टॉपिक पे काम करना है पहले तो ये हमको आइडेंटिफाई करना है कि हमें किस टॉपिक को कवर करना है, देन हमारी प्री रिक्वेस्ट क्या होंगे, हमारा एम क्या है। ओके तो मैं यहाँ पर बात करूँगा हमें पाइथन पे काम करना है विद MySQL, लेकिन इसमें हमें क्या यूज़ करना है। MySQL के लिए आपको यूज़ करना है MySQL, हैंडल होगा आपका MySQL वर्क बेंच के थ्रू, वर्क बेंच। सो गाइस, वर्क बेंच आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखिए, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ, उसमें मैंने आपको बताया हाउ यू कैन इंस्टॉल दी वर्क बेंच। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, दिस इज़ द वीडियो। वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई इसकी वीडियो ऑडियो में। को हम थोड़ा कम कर तो आज देते की हैं वीडियो हमारी होने वाली है पाइथन के ऊपर। और इजी है, यहाँ पे आपको कुछ मैंने नहीं करना होगा, आपको पूरा बताया हुआ है टाइप कि वर्क करें बेंच मैं कहाँ अपना से पाइथन इंस्टॉल आईडी होगा, मैंने विजुअल अपने स्टूडियो पहले कोड भी पीछे बताया करूंगा क्योंकि एडिटर के लिए मैं वीएस कोड यूज़ हम करूँगा। डैगर ओके डॉट पी वाई पाइथन लोड करेंगे। अब ये आपको पूरा नो बता मैन रखा जस्ट है स्टार्ट माई माई डाउनलोड। सिक्वल कम्युनिटी डाउनलोड। तो इस वीडियो के आप ये रेफरेंस से फाइल आप क्या कर डाउनलोड सकते होगा हैं, उससे आप पहले डाउनलोड इस कर तरह सकते हैं यहाँ पे वर्क लिखेंगे बेंच को। अगर ओके आपके अगर आपको नहीं वीडियो देखनी तो कोई बात नहीं, डोंट वेरी, हम यहाँ पर डायरेक्ट बता देते हैं माई सिक्वल वर्क बेंच। आप यहाँ पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं जैसा आपको डाउनलोड करना है। मेरे पास मैक है तो इसलिए वो मैक बताएगा। आपको क्या करना है, आपको विंडो OS सेलेक्ट करना होगा। ओके माइक्रोसॉफ्ट विंडो, देन आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद सेटअप कर लीजिएगा। सेटअप करने के बाद जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो आप ओपन करेंगे माई सिक्वल वर्क बेंच। हम ओपन कर लेते हैं। दिस इज़ द माई सिक्वल वर्क बेंच। हम जैसे ही ओपन करेंगे हमारे पास कुछ इस तरीके का इन्वायरमेंट आएगा। ओके नाउ यहाँ पे अब हम आपको स्टार्टिंग से बताएंगे कि इस पर किस तरह से काम होता है, कैसे डेटाबेस वगैरह क्रिएट होते हैं, ईच एंड एवरी पार्ट। नाउ आपको जब भी ये दिखेगा वो फर्स्ट पेज आपके सामने इस तरीके आएगा, वेलकम टू माई सिक्वल वर्क बेंच। आपका सबसे पहले काम क्या होता है, यू हैव टू मेक द कनेक्शन। तो मैं इस पूरे पार्ट को स्टेप बाय स्टेप एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ और फ्लो चार्ट में मेंशन करता हूँ ताकि आपको ये पॉइंट्स रिमेंबर रहे, ताकि इन फ्यूचर आप कभी भी इस पर काम करें आपके लिए वो इजी टू रिमेंबर हो और आप कोई भी स्टेप मिस ना करें। सो फर्स्ट पार्ट इज हमारे रिक्वेस्ट क्या होती है, प्री रिक्वेस्ट अगर मैं बात करूँ। देखिए पाइथन के लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, पाइथन के लिए मैं एडिटर टूल यूज़ कर रहा हूँ, VS कोड,
आप स्पाइडर भी यूज़ कर सकते हैं, पाइचम भी यूज़ कर सकते हैं, ओके, जुपिटर भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, उसमें मैं आपको मना नहीं करूँगा। मैं वी एस कोड प्रेफर करता हूँ, दिस इज़ माई प्रेफरेंस। नाउ इसके बाद हमारा एक होता है डेटाबेस, माई सिक्वल डेटाबेस के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, माई सिक्वल वर्कबेंच, ओके। तो ये दो चीज़ रिक्वायर्ड है, आपको मैं अपनी प्रीवियस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगा इसमें, तो वहाँ से आप इनको सेटअप कर सकते हैं, ओके। पाइथन डाउनलोड करना है आपको, पाइथन आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। वी एस कोड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वी एस कोड डाउनलोड कहाँ से करेंगे आप, जस्ट यहाँ से जाइए आप, वी एस कोड मैक, मतलब मेरे पास मैक है तो दैट्स वाई वो मैक देगा, आप विंडो को यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं वी एस कोड, उसके बाद पाइथन के एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिए, ओके। दैट इज़ वेरी वेरी ईजी प्रोसेस, ओके। अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा टॉपिक वी एस कोड सेटअप कराना नहीं है, मेरा टॉपिक है कि हम पाइथन को माई सिक्वल के साथ कैसे काम करते हैं और इसको हम यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्क बेंच, माई सिक्वल वर्क बेंच। तो यहाँ पे मेरा स्टेप वन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, मैं क्या करूँगा, ओपन द माई सिक्वल वर्क बेंच। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ये चीज़ सेटअप कर चुके हैं यानी इंस्टॉल कर चुके हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद क्रिएट क्रिएट द कनेक्शंस, आपका सबसे पहले क्या होता है, क्रिएट द कनेक्शन फॉर डेटाबेस। आपको डेटाबेस के लिए एक कनेक्शन बनाना होता है, कनेक्शन कैसे बनता है वो हम देख लेते हैं, हाउ यू कैन क्रिएट अ कनेक्शन। तो आपको MySQL वर्कबेंच मतलब यहाँ पे क्या करना होगा, ओपन करना होगा, आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है MySQL कनेक्शन, तो मैं यहाँ पे नोट डाउन भी कर देता हूँ ताकि आपको ये फ्लो चार्ट में याद भी रहे। यहाँ पे आपके पास ओपन आएगा माई सिक्वल कनेक्शन, इस पर आपको क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो आप प्लस पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके आपका कुछ इस तरीके से ये इन्वायरमेंट आएगा, इट रिक्वायर्ड द कनेक्शन नेम, ओके। ये आपसे कनेक्शन का नेम पूछेगा, देन आपसे वो पूछेगा क्या द कनेक्शन मैथड, कि कनेक्शन का मेथड क्या है, आपका कम्युनिकेशन TCP/IP प्रोटोकॉल पे कर रहे हैं आप, देन आफ्टर दैट हॉस्ट नेम, देन पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर ये आपका क्या होता है, डेटाबेस का पोर्ट नंबर होता है MySQL का, आपका यूज़र नेम क्या है, इस यूज़र नेम को आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। आपको पासवर्ड भी यहाँ पे सेट करना होगा, ये पासवर्ड आपका क्या है, मेरा स्टोर कर रहा है की चेन के अंदर। अब ये पासवर्ड यहाँ पर एक चीज़ का याद रखिएगा, आप जब वर्क बेंच सेटअप करेंगे तो उस टाइम पे आप एक पासवर्ड देंगे, रूट पासवर्ड, उस पासवर्ड को आप याद रखिएगा क्योंकि वो यहाँ पे मतलब रिक्वायर्ड होगा, ओके। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, एक कनेक्शन का नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ, मैं बोल देता हूँ सपोज़ कीजिए मैं कनेक्शन का नाम दे रहा हूँ माई कनेक्शन, ओके, माई कनेक्शन इज जस्ट अ नेम। देन इसके बाद मैं टेस्ट कनेक्शन करना चाहूँगा, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब भी आप स्टोर करेंगे क्या MySQL सर्वर को इंस्टॉल करेंगे तो वो आपसे एक पासवर्ड मांगेगा, वो पासवर्ड आप याद रखिएगा, मुझे वो पासवर्ड याद है, ओके। मेरा पासवर्ड मैंने प्रोवाइड कर दिया, नाउ इट सेइंग वर्क बेंच इज़ डेवलप्ड एंड टेस्टेड, ओके, ठीक है, ये वर्जन का बोल रहा है, आप कंटिन्यू एनीवे कीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास मैसेज आ चुका है, वाओ द कनेक्शन इज़ सक्सेसफुली मेड बाई MySQL कनेक्शन, ओके। आपके पास हॉस्ट है, दिस हॉस्ट इज़ कॉल एज द लोकल हॉस्ट, पोर्ट नंबर है, द पोर्ट नंबर इज़ 3306, यूज़र नेम रूट, पासवर्ड आप मुझे याद है, मैं बताऊँगा नहीं, ओके, चलिए ठीक है, कोई नहीं। नाउ इसके बाद बात करेंगे, ओके ओके पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो ये है हमारा माई कनेक्शन जो हमने नया कनेक्शन बनाया है, इस पर हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू एनीवे। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, याद रखिएगा यहाँ पे डेटाबेस को हम स्कीमा बोलते हैं, ओके। यहाँ पे डेटाबेस का नाम चेंज हो जाता है, इसको बोला जाता है टेक्निकली स्कीमा, ओके। तो स्कीमा कैसे क्रिएट होगा, कैसे वर्क होगा स्कीमा पे, आप ध्यान उसको मतलब उसको समझेंगे। उससे पहले मैं एक वो करूँगा रिक्वेस्ट कि आप एक चीज़ याद रखिए, जब भी इस पे काम करें तो हो सकता है आपके पास मल्टीपल कनेक्शन हो, तो ये मेक श्योर कर लें आप अपने कनेक्शन पे काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ माय कनेक्शन, ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपके सामने स्कीमा, मैं स्कीमा यहाँ से आपका ऐड कर सकता हूँ, ये प्लस आपको डेटाबेस का आइकन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए।
वो आपसे न्यू स्कीमा मांगेगा, मैंने स्कीमा का नाम दे दिया। सपोज मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने सब्सक्राइबर का डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, तो सब डीबी, सब डीबी शॉर्ट फॉर्म फॉर सब्सक्राइबर डीबी। नाउ इसके बाद मैं इस पे अप्लाई पे क्लिक करूँगा। ये डेटाबेस नेम याद रखना, SUBDB, सब्सक्राइबर शॉर्ट फॉर्म DB, डेटाबेस अप्लाई। इसका आप देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमें एक UI इंटरफेस देता है, एंड UI इंटरफेस के पीछे आप जानते हैं, आपने तो बस क्या किया, एक नेम पुट किया एंड यू आर जस्ट क्लिकिंग द अप्लाई। अब जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, वो इन द बैकग्राउंड साइड वो क्या करेगा, एक क्वेरी हिट करेगा, द क्वेरी इज क्रिएट स्कीमा, स्कीमा नेम। ओके, अब यहाँ पे हमारा क्या था, अगर इन टर्म्स ऑफ मैं MySQL सर्वर की बात करूँ, तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है, क्रिएट डेटाबेस नेम। ओके नाउ अब इसको अप्लाई कर देते हैं हम। अप्लाई करने के बाद जस्ट क्लोज कीजिए आप इसको। आप यहाँ पे आइए स्कीमा उस पर, और यहाँ पे आप देखिए, आपको एक आपका डेटाबेस नज़र आ रहा होगा जिसका नाम है सब्सक्राइबर DB। ओके, SUBDB। नाउ इसके बाद क्या करना है हमारा, यहाँ पे हमारे वर्क बेंच का काम ओवर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, हम जितना भी ऑपरेशंस करेंगे वो सारा का सारा हम हैंडल करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन। तो बस हमें डेटाबेस क्रिएट करना था। अब हम चलते हैं अपने पाइथन पे। पाइथन पे हम क्या करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे। तो मैं इस जो मेरा फ्लो चार्ट है उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैंने MySQL कनेक्शन पे प्लस क्लिक किया, देन इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, एड दी कनेक्शन नेम एंड एंटर दी MySQL सर्वर पासवर्ड। जैसे आपने MySQL सर्वर पासवर्ड दिया, इसके बाद आप क्या करेंगे, देन यू हैव टू क्रिएट दी स्कीमा, क्रिएट दी स्कीमा। स्कीमा का यहाँ पे दूसरा नाम मैं लिख देता हूँ, इसका दूसरा नाम क्या होता है, डेटाबेस। मतलब क्योंकि देखिए, डेटाबेस के रेफरेंस से आप इसको समझते हैं, तो क्रिएट दी स्कीमा विद स्कीमा नेम, आपको स्कीमा नेम देना होगा। नाउ इतना करने के बाद यहाँ पे आपका एक टास्क इज़ ओवर, मतलब वर्क बेंच का टास्क ओवर हो गया। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये काम सारा का सारा हम किस पे कर रहे हैं, MySQL वर्क बेंच के ऊपर, वर्क बेंच। अब इसके बाद जो काम हम करेंगे, ओके नाउ अब इसके बाद जो हम काम करेंगे वो करेंगे हम किस पे, पाइथन पे। तो पाइथन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ किसको, VS कोड को, जो मेरा एडिटर टूल है, इट्स माय एडिटर टूल। नाउ अब पाइथन में जो हम काम करेंगे, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, ठीक है, टू मेक द डेटाबेस कनेक्शन विद MySQL टू पाइथन, यानी पाइथन का MySQL से कनेक्शन बनाना है। तो इसके लिए हम जानते हैं हमें क्या यूज़ करना होता है, यूज़ लाइब्रेरी, हमें एक लाइब्रेरी यूज़ करनी होगी। लाइब्रेरी का नाम क्या है, MySQL हाइफन कनेक्टर हाइफन पाइथन। अब यहाँ पे कंसर्न आता है, हाउ यू कैन ऐड द लाइब्रेरी, हाउ टू ऐड द लाइब्रेरी इन पाइथन, पाइथन में थर्ड लाइब्रेरीज कैसे ऐड होती है। इसके लिए आप क्या करेंगे, ओपन टर्मिनल, ओपन टर्मिनल इन VS कोड। VS कोड में एक ऑप्शन मिलता है आपको टर्मिनल ओपन करने का, देन वहाँ पे हम कमांड डालेंगे पिप इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल। मैं टाइम को बचा लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, देन इसके बाद इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं ताकि मेरा टाइम और बच जाए। अब मैं अपने प्रोजेक्ट पे जाऊंगा, VS कोड पे। VS कोड पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, एक नई फाइल क्रिएट करूंगा। देखिए पाइथन में जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई भी हम फाइल बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फाइल मतलब एक फ़ोल्डर हमने ले लिया, पाइथन नाम का फोल्डर, कुछ भी आप नेम दे सकते हैं, ये प्रैक्टिस नेम या जो भी आपको जिस पे आप प्रैक्टिस, यानी वर्क स्पेस, बेसिकली क्या है आपका वर्क स्पेस। आप वर्क स्पेस के अंदर जाएंगे, ओके, देन यहाँ पे एक फाइल का नाम दे देंगे, मैंने नाम दे दिया माई कर्ड डेमो डॉट, एक्सटेंशन होती है यहाँ पे PY। मोस्टली क्या होता है, मैंने मतलब लोग क्या करते हैं, एक्सटेंशन देना भूल जाते हैं, तो अगर वो पाइथन की फाइल ही नहीं बताएंगे तो वो पाइथन की कमांड एग्जीक्यूट कैसे करेगा। ओके तो हमने यहाँ पे दे दिया माई कर्ड डेमो डॉट PY। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको क्लियर कर लेते हैं, पुरानी
नाउ यहाँ पे हम मैंने आपको बताया मुझे सबसे पहला काम क्या है, मुझे थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है जो क्या करेगी, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेगी इन बिटवीन माई सिक्वल टू पाइथन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कमांड ऑफ वी एंटर। ओके, मेरा ये ऐड हो चुका है। इसके बाद मैं इसको चेक करूँगा क्या ये ऐड हो चुका है। अब देखिए जो भी हम लाइब्रेरीज ऐड करते हैं उन लाइब्रेरी को हम यूज़ करते हैं अपने कोड में, किसके थ्रू, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट यहाँ पे एक कीवर्ड है कि इसका काम बेसिकली ये होता है जितने भी लाइब्रेरीज के अंदर फंक्शंस हैं उन फंक्शन को एक्सेस करना है, यानी हम थर्ड पार्टी प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड इम्पोर्ट। ये जावा में भी यूज़ होता है, मतलब बहुत सी जगह दिखाया गया है इसको। तो हम इसको कैसे करेंगे, इम्पोर्ट हमें किसको यूज़ करना है, माई सिक्वल को डॉट, उसके अंदर हमारा पैकेज है कनेक्टर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए हम जब भी काम करते हैं हमें कोड मतलब कमेंट देना ज़रूरी होता है। कमेंट बेसिकली क्या करता है, उस कोड के मीनिंग को डिफाइन करता है। तो मैं क्या करूँगा, एस्टैब्लिश दी डेटाबेस कनेक्शन इन बिटवीन पाइथन टू माई सिक्वल। तो अब ये कनेक्शन कैसे बनेगा, इस कनेक्शन के लिए मैंने कुछ भी नाम दे देता हूँ इसको। मैंने दे दिया कनेक्शन, मतलब ये वेरिएबल नेम है, इट्स जस्ट अ वेरिएबल। इस वेरिएबल में क्या कर रहे हैं हम, जो भी हमारे कनेक्शन की इन्फॉर्मेशन है उसके आउटपुट को हम क्या करेंगे, इस कनेक्शन वेरिएबल में पास करेंगे। सो इट्स जस्ट अ वेरिएबल नेम। ओके, आप यहाँ पर देखिए जैसे कर्जर को लेकर आएंगे आपको यहाँ पर दिख भी जाता है कि वो है क्या, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। इट्स अ वेरिएबल, एनी टाइप ऑफ वेरिएबल, क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या होगा, डिफाइन होगा जो भी हम इसमें वैल्यू पास करेंगे। अब मेरा कनेक्शन किसके थ्रू बनेगा, माई सिक्वल कनेक्टर डॉट कनेक्ट। अब जब हम फेसबुक, इसका मैं रेफरेंस देता हूँ, देखिए कनेक्ट के अंदर इन्फॉर्मेशन क्या डाली जाती है, जब हम फेसबुक को ब्राउज़र पर ओपन करते हैं तो हमें क्या क्या डालना होता है, आपका यूआरएल, यूज़र नेम, पासवर्ड, देन आपके उसके बाद सबमिट करते हैं। तो यूआरएल इज जस्ट लाइक अ हॉस्ट, हम यहाँ पर टेक्निकली उसको क्या बोलते हैं, हॉस्ट। हॉस्ट हमारा क्या रहेगा, लोकल हॉस्ट, क्योंकि हम हमारा जितना भी काम हो रहा है वो लोकल सिस्टम पे हो रहा है। तो वो जो आपका आईपी एड्रेस है 127.0.0.1, आप उस आईपी एड्रेस को भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आप लोकल हॉस्ट भी ले सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। देन यूज़र नेम, यूज़र नेम आपने देखा था वहाँ पे यूज़र नेम क्या था, रूट। कहाँ पे यूज़र नेम रूट था मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप देख लीजिए। आपको यहाँ पे ये दिख रहा है माय कनेक्शन में, आप देखिए प्रोफाइल आइकन के आगे क्या लिखा हुआ है, रूट। तो ये हमारा यूज़र नेम होता है। ओके, ये यूज़र नेम हम यहाँ पे देंगे। देन आपका जो पासवर्ड था, मैंने आपको बोला था जब आप माई सिक्वल सर्वर सेटअप करते हैं तो आपको पासवर्ड दिया गया होगा, तो वो पासवर्ड आप यहाँ डाल दीजिए। ओके, नाउ इसके बाद डेटाबेस नेम, डेटाबेस दैट विल बी इक्वल्स टू इन अ, अब डेटाबेस का नेम क्या है आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, डीबी नेम है SUBDB, सब डीबी यानी सब्सक्राइबर डेटाबेस। देन इसके बाद आप क्या करेंगे, इतना करने के बाद आपको बस इतना करना है, आपने क्या किया, लोकल हॉस्ट मतलब हॉस्ट दे दिया, यूज़र नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया, डेटाबेस का नाम दे दिया। नाउ अब आप वेरीफाई करेंगे, टू वेरीफाई द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश और नॉट। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन को यूज करेंगे, इफ कनेक्शन डॉट इज कनेक्टेड यहाँ पे एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, आप इफ कंडीशन यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई यू हैव टू यूज, क्योंकि आप पाइथन में काम कर रहे हैं आपको कॉलन यूज करना होगा। नाउ यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ इंडेंटेशन, यहाँ पे क्या होता है कोई भी ब्लॉक नहीं होता, कर्ली ब्रेसेस नहीं होता सी की तरह, तो यहाँ पे क्या किया जाता है आपको स्पेस यूज़ किया जाता है, इसको यहाँ पे बोलते हैं इंडेंटेशन। तो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड जो होता है वो क्या करेगा, स्पेस से मैनेज होता है। नाउ अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्या, मुझे प्रिंट कराना है डीबी इज़ कनेक्टेड, डीबी इज़ कनेक्ट, अगर मान लीजिए इज देयर एनी एरर, कोई भी आपका एरर है, यूज़र नेम गलत है या फिर पासवर्ड गलत है या फिर डेटाबेस का नेम गलत है, तो हम एरर देखना चाहेंगे डीबी नॉट कनेक्टेड, यानी यूज़र को ये पता रहना चाहिए कि भाई हमारा डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ। ओके, नाउ इसको हम रन करके देखते हैं। ओके, वाह, वी गॉट द मैसेज डीबी इज़ कनेक्टेड। ओके, बट अब हम यहाँ पे कोई मिस्टेक क्रिएट करते हैं, मिस्टेक क्रिएट करके हम ये आइडेंटिफाई करते हैं विच टाइप ऑफ एरर वी विल गॉट इफ़ वी आर पुटिंग सम एरर, सिली मिस्टेक,
वाइल पासिंग दी हॉस्ट और यूज़र नेम और पासवर्ड और डीबी नेम। तो मैंने इस बार हॉस्ट में गलती कर दी, हॉस्ट में मैंने हॉस्ट गलत प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, वो साफ बोल रहा है अननोन माई सिक्वल सर्वर हॉस्ट। तो वो उसने साफ ही बोल दिया कि सर्वर हॉस्ट ही अननोन है। अननोन का मतलब ये डिफाइन नहीं है, ये एग्जिट नहीं करता। तो इससे हमें पता लग जाएगा हमारे हॉस्ट के नेम में कुछ मिस्टेक है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, वी आर गिविंग द रॉन्ग यूज़र नेम एंड वी आर जस्ट रनिंग दिस क्वेरी। तो यहाँ पे आपको साफ पता लग गया एक्सेस डिनाइड फॉर यूज़र, विच यूज़र रूट्स। तो उसने ये क्लियर कर दिया कि आपका यूज़र में कुछ मिस्टेक है, यानी इसके लिए एक्सेस डिनाइड हो रहा है। जब भी आप क्या करते हैं, किसी पोर्टल पे लॉगिन करते हैं और यूज़र नेम या पासवर्ड में गलती करते हैं, तो वहाँ पे मैसेज क्या आता है, एक्सेस डिनाइड का आता है और बोलता है क्रेडेंशियल इनकरेक्ट। तो इस तरीके से मेरे को इसमें भी पता लग गया। अब मान लीजिए मैंने डेटाबेस के नेम में गलती कर देता हूँ, सपोज़ कीजिए मैंने डेटाबेस के नेम स्पेलिंग मिस्टेक, ये सिली मिस्टेक है, कोई भी कर सकता है। अननोन डेटाबेस, यहाँ पे भी हमें क्लियर मैसेज से इंडिकेट हो रहा है कि हम जिस डेटाबेस नेम को यूज़ कर रहे हैं वो अननोन है, यानी वो क्रिएटेड नहीं है। तो हम यहाँ पे जाके इसको फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना जितना भी मतलब वैलिडेशन है, एक तरीके से वेरिफिकेशन, वो पूरा पार्ट कर सकते हैं। नाउ अब इसके बाद बात करेंगे हम, आपने क्या किया, फर्स्ट काम आपने कर लिया, कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर लिया। मैं अपने फ्लो चार्ट पर जाता हूँ, यहाँ पे हमारा कनेक्शन ऐड दी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऐड कर दिया। देन इसके बाद मैं डालूँगा इम्पोर्ट दी माई सिक्वल कनेक्टर पैकेज, आप इसको इम्पोर्ट करेंगे, एंड कॉल दी कनेक्शन फंक्शन। ओके, कनेक्शन फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, टू मेक दी डेटाबेस कनेक्शन। देन इसके बाद आप क्या करेंगे, क्रिएट टेबल इन डेटाबेस, मतलब ये ऑपरेशन करना चाहूँगा। देन उसके बाद मैं चाहूँगा इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन टेबल, देन फैच रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल। इसके बाद हम करना चाहेंगे फैच, इसमें एक चीज़ और कर लेते हैं, फैच दी स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल। देन इसके बाद डिलीट, डिलीट से पहले अपडेट लगा देते हैं, अपडेट रिकॉर्ड इन टेबल। देन लास्ट में डिलीट दी रिकॉर्ड्स इन टेबल। लास्ट में ड्रॉप दी टेबल, ड्रॉप का मतलब होता है पूरी टेबल को हम डिलीट करना चाहते हैं, कंप्लीट टेबल को। ओके, तो ये बेसिकली ऑपरेशंस हैं जिनको हमें लगाना है। अब इसको कैसे लगाएंगे वो हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहला काम है हमारा कनेक्शन बनाना, इस पार्ट को बोलते हैं कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट। ओके, ये हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट हो गया विद दी वेरीफिकेशन, हमने वेरीफाई भी कर लिया कि कनेक्शन हमारा बना या नहीं बना। देन इसके बाद हम बात करेंगे क्रिएट टेबल इन इन डेटाबेस। नाउ अब क्रिएट टेबल कैसे होता है, इसके लिए हम एक जो भी हमारा आउटपुट होगा, मतलब एक क्वेरी लिखेंगे, MySQL की क्वेरी लिखी जाएगी, वो क्वेरी हम पाइथन में लिख रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एज अ स्ट्रिंग पास करेंगे उस क्वेरी को, और उसकी जो आउटपुट होगी उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। वेरिएबल में स्टोर कराने का फ़ायदा ये होता है कि आप उस क्वेरी को एन नंबर ऑफ टाइम बाई यूजिंग दैट वेरिएबल नेम कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका वेरिएबल नेम दे दिया क्रिएट क्वेरी, इट जस्ट अ वेरिएबल नेम, आप ये वेरिएबल नेम कुछ भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। क्रिएट क्वेरी क्या होती है, क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट। मैंने बहुत टाइम पे ये देखा है कि बहुत लोग मिस्टेक ये करते हैं, एग्जिट लिख देते हैं, वो लास्ट का एस मिस कर जाते हैं, तो इस वजह से एरर आता है। तो प्लीज़ ये एग्जिस्ट होता है, क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट। मैंने टेबल नेम दे दिया माई सब्सक्राइबर, देन मुझे इस टेबल की रिक्वायरमेंट क्या है, टेबल करता क्या है, टेबल अपने अंदर एक इन्फॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर बनाता है, ये स्ट्रक्चर ही क्या करता है आगे चल के आपको हेल्प करेगा टू स्टोर दी इन्फॉर्मेशन। अब वो क्या इन्फॉर्मेशन होगी वो ये टेबल बताएगा, जैसे कि सपोज़ कीजिए मेरे को सब्सक्राइबर का नेम स्टोर कराना है, ईमेल स्टोर कराना है, ओके, एंड मुझे स्टोर कराना है उनका मोबाइल, ओके, या फिर मैं दो वैल्यू स्टोर करा लेता हूँ, नेम और ईमेल।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बोलेंगे नेम, उसका डेटा टाइप, देन ईमेल। डेटा टाइप हमने ले लिया टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट आपका एज अ डेटा टाइप यूज़ हो रहा है, वेर कैर भी यूज़ कर सकते हैं आप, टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर है। नाउ ये मेरी पूरी की पूरी क्वेरी क्रिएट टेबल की हमने इस वेरिएबल में पास कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे क्रिएट क्वेरी को हिट कराना है, यानी MySQL की क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है। एग्जीक्यूट हम डायरेक्ट नहीं करा सकते, तो एग्जीक्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, कनेक्शन के पास जाएंगे। कनेक्शन से पूछेंगे कि आपके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारी इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराए, क्रिएट क्वेरी को। तो कनेक्शन बोलेगा हाँ मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी क्वेरी को एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूशन के लिए आपको वो हेल्प करेगा। तो हम बोलेंगे ठीक है आप एक काम कीजिए, हम एक वेरिएबल बनाते हैं टू एग्जीक्यूट दी MySQL क्वेरीज विद कर्जर। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे, हमने वेरिएबल का नाम दे दिया माई कर्जर, कुछ भी आप ले सकते हैं। दैट विल रिक्वेस्ट टू, आपके कनेक्शन का नाम क्या है, कनेक्शन मतलब कनेक्शन वेरिएबल दिस वन। ओके, इस वेरिएबल को कॉल किया, क्योंकि हम डेटा, ये जो क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे किस पे करेंगे, अपने डेटाबेस पे करेंगे, और डेटाबेस की सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास है। तो ये हमें क्या करेगा, उस डेटाबेस के ऊपर एक फंक्शन प्रोवाइड करेगा कर्जर का। तो कर्जर क्या करेगा, जितनी भी क्वेरी हैं वो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको हेल्प करेगा। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है हमें कर्जर क्लास मतलब एक तरीके से प्रॉपर्टी मिल गई है जो कि हमने किस में पास कर दी, माई कर्जर में। अब मुझे क्या करना है, टू एग्जीक्यूट दी MySQL क्रिएट क्वेरी, क्रिएट टेबल की क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माई कर्जर डॉट एग्जीक्यूट, इसके अंदर हम वेरिएबल पास कर देंगे। आपकी ये पूरी की पूरी क्वेरी जो क्रिएट टेबल की है वो हमने किस वेरिएबल में पास की है, क्रिएट टेबल में, क्रिएट सॉरी क्रिएट क्वेरी में। तो हम क्रिएट क्वेरी वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर देंगे। नाउ इसके बाद आप अपना कनेक्शन को अपडेट वो करना चाहें, कमिट करना चाहें, तो कनेक्ट कमिट कर सकते हैं। कमिट का मतलब होता है कि आपने जो भी ऑपरेशन किया है उसके बाद ये ऑपरेशन आपका सेव हो गया है, यानी आपका इस बीच में अगर कनेक्शन ब्रेक होता है तो वो क्या करेगा, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने नहीं देगा। ओके, तो हम यहाँ पे कमिट हमने लगा दिया। अब इसके बाद हम रन करते हैं, और रन करने के बाद हम मेक श्योर करते हैं कि क्या ये वाकई में टेबल क्रिएट हुआ। तो इसके लिए हम वर्क बेंच के पास जाएंगे, और वर्क बेंच के पास जाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश का एक आइकन होता है, आप रिफ्रेश कीजिए, और यहाँ पे सब्सक्राइब डेटाबेस के अंदर जाके देखिए क्या एक सब्सक्राइबर्स नाम की टेबल क्रिएट हो गई है। ओके, आप इसमें कॉलम भी देख सकते हैं, हमारे दो कॉलम हमने लिए थे, नेम और ईमेल। तो आपको नेम और ईमेल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये टेबल सक्सेसफुली आपकी क्रिएट हो चुकी है। ओके, अब टेबल क्रिएट होने के बाद वी जस्ट वांट टू ऐड द रिकॉर्ड, ठीक है, ऐड न्यू रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस। ओके, तो ऐड न्यू रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना है, एक क्वेरी MySQL, देखिए जितना भी MySQL पार्ट है वो सारा क्वेरी बेस्ड है, तो हमें एक और इंसर्ट क्वेरी लगानी पड़ेगी। मतलब अब इंसर्शन कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। मैं क्या करूँगा, अगेन वही मेथोलॉजी यूज़ करूँगा, मैं अपनी पूरी की पूरी जो मेरी क्वेरी होगी MySQL की उसको एक वेरिएबल में पास कर दूंगा, इंसर्ट इन टू टेबल नेम। टेबल नेम क्या था मेरा, मैं देख लेता हूँ, टेबल नेम था मेरा यहाँ पर सब्सक्राइबर्स। आपको टेबल नेम पे ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत से टाइम असली मिस्टेक ये होती है, हमसे टेबल नेम हम गलत पुट कर देते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़, नाउ मेरे कितने प्रॉपर्टी हैं, नेम और ईमेल। नेम का डेटा टाइप क्या है, टेक्स्ट, तो ये स्ट्रिंग है इसलिए मैं वन ब्लॉक ऑफ कोड ले लिया इसके लिए। देन मेरा क्या होगा, एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट के लिए मैंने दूसरा यहाँ पे क्या लिया, स्मॉल कर्ली ब्रेसिस ले लिए। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, डॉट हम यहाँ करते हैं डेटा को फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट क्यों, क्योंकि डेटा एज ए स्ट्रिंग जाएगा आपका, तो इसके लिए एक फंक्शन होता है डॉट फॉर्मेट, डबल कोट से बाहर आके फॉर्मेट लगाइए। अब फॉर्मेट के अंदर हम क्या करेंगे, हमें यूज़र से डेटा चाहिए, यूज़र से डेटा रीड करने के लिए पाइथन में एक फंक्शन होता है इनपुट फंक्शन। हम इनपुट फंक्शन में यहाँ पर मैसेज ले देंगे एंटर नेम, ताकि यूज़र को ये पता लगे कि हाँ उसको क्या इन्फॉर्मेशन पास करनी है। फिर अगेन हम इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे क्योंकि हमें ईमेल चाहिए यूज़र की। हम यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर हम क्या करेंगे, सेम एंटर ईमेल। वाओ, मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मुझे क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए मैं कर्जर को कॉल करूँगा, उसके एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल करूँगा। देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंसर्ट क्वेरी को पास कर दूँगा। जो इंसर्ट क्वेरी मेरी है वो किस में स्टोर है, इंसर्ट क्वेरी वेरिएबल के अंदर है। तो कहने का मतलब ये है
ये वाला टास्क मेरा क्या हुआ, रिपीट हो गया। ओके, यहाँ पे बस क्रिएट क्वेरी की जगह क्या चला गया, इंसर्ट क्वेरी, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी आपकी MySQL की क्वेरीज होंगी उसको आपको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। ओके, ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होती, इसमें एग्जीक्यूट फंक्शन यूज़ होगा तभी ये एग्जीक्यूट होंगी। नाउ इसके बाद आप कनेक्शन को वो करना चाहें, कमिट आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, कमिट। इसके बाद हम इसको रन करते हैं, और मैं चाहूँगा कि मैं दो तीन एंट्री कर लूँ। सपोज़ मैंने नेम डाला मेरे फ्रेंड का इवान शर्मा, ivan@gmail.com। देन मैं अगेन इसको रन कर लेता हूँ, मैं फॉर लूप लगाऊंगा तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि हाँ मैं मतलब जितने टाइम चाहूँ उतने टाइम इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ। पवन शर्मा ईमेल p@gmail.com। देन मैं नेम डाल देता हूँ इस बार मेरी गुड़िया का, वानी शर्मा ईमेल vani@gmail.com। इस बार हम डाल देते हैं अपने चैनल का नाम APK ग्लोबल, जिसको प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको आगे भी मतलब अपने आप को टैक में आगे लेके जाना है तो मैं टैक पे जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, रिलेटेड टू पाइथन, रिलेटेड टू जावा। ओके, तो मैं आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यहाँ पे सिखाऊंगा, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट से लेकर मतलब डेटा साइंस आपका एंड वेब डेवलपमेंट। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों को यहाँ मौका मिलेगा सीखने का, और इसमें अच्छी बात ये है यू डोंट नीड टू पे अ सिंगल पैनी, क्योंकि एक टाइम के बाद मैं उम्मीद करूँगा कि हाँ मैं इस लेवल पे अपने आप को लेके जाऊँ कि आपसे ना लेकर मैं गूगल क्या करूँ यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट कर दूँ, बट उसमें टाइम लगेगा एंड डोंट वेरी, आई हैव दैट मच टाइम, वो उतना पेशेंस मैं अपने आप रख सकता हूँ। ओके फाइन, सो अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, तीन रिकॉर्ड ऐड किए। ओके, अब मुझे ये तीन रिकॉर्ड चेक करने हैं कि वेदर दिस रिकॉर्ड विल बी एडेड और नॉट, और ये कहाँ पे दिखेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा वर्क बेंच के पास, वर्क बेंच में मैं क्या करूँगा अपने टेबल पर जाऊँगा। उससे पहले आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, मैं टेबल के पास गया, मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारा सेलेक्टेड रोज, राइट क्लिक करके आप अपने टेबल पर राइट क्लिक कीजिएगा, सेलेक्टेड रोज। वाओ, मेरे पास जो इतना भी मेरा डेटा इंसर्ट हुआ था वो सारा डेटा मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इवान शर्मा हिज ईमेल आईडी, पवन शर्मा ईमेल आईडी, वानी शर्मा vani@gmail.com एंड द लास्ट वन इज़ APK ग्लोबल और उनकी ईमेल आईडी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को देख सकते हैं यहाँ पे वर्क बेंच में। वर्क बेंच आपको थोड़ा UI पार्ट दे देता है, लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान दीजिए, ये भी क्या करता है बैकग्राउंड में क्वेरी को हिट करता है। ओके, तो कभी भी डेटा डायरेक्ट नहीं मिलता, उसके पीछे कुछ लॉजिक्स लगे होते हैं। ओके, चलिए हमारा इंसर्शन हो गया, अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ बिकॉज मैं बार बार इंसर्शन नहीं कराना चाहूँगा। ओके, अब मैं डेटा को रिट्रीव करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, रिट्रीव, रिट्रीव द डेटा या फिर रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटाबेस। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे अगेन क्वेरी बनानी होगी, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया सेलेक्ट रिकॉर्ड्स या सेलेक्ट क्वेरी, कुछ भी बना लीजिए वेरिएबल, ये वेरिएबल नेम है। अब मेरे को एक सेलेक्ट क्वेरी लिखनी होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या था मेरा, सब्सक्राइबर्स। ओके, देन ये क्या करेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ये जितना भी सब्सक्राइबर्स टेबल के अंदर इन्फॉर्मेशन है, रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स उठा के किसको दे देगा, सेलेक्ट क्वेरी को। अब मुझे सेलेक्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है, एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको मैंने बताया mycursor.execute फंक्शन कॉल होगा, देन इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारी क्वेरी है उसको हम पास कर देंगे। इसके बाद हमारा क्या है, हमें सारा डेटा फैच करना है, तो मुझे प्रिंट कराना है। सपोज़ मैं चाहता हूँ मैं टर्मिनल में ही अपने आउटपुट को देख लूँ, तो मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा। यहाँ पे हमारा क्या था, फॉरिन लूप होता है पाइथन में, तो फॉर मैं बोलूँगा यहाँ पे रिकॉर्ड इन, मेरा डेटा किसके अंदर है, mycursor.fetchAll, मैं सारा डेटा फैच करना चाहूँगा, पाइथन यूज़ हो रहा है, कॉलन लगेगा आपका फॉर के एंड में। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंडेंटेशन मैं प्रिंट करा दूँगा किसको, रिकॉर्ड को, क्योंकि रिकॉर्ड मेरा क्या करेगा, एवरी सिंगल रो के रिकॉर्ड्स को प्रिंट कराएगा, यानी नेम और ईमेल को प्रिंट कराएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से बाहर आके अपना कमिट कर दीजिए, कनेक्शन माई कनेक्शन, सॉरी हमारा कनेक्शन का वेरिएबल है कनेक्शन डॉट कमिट, रन कीजिए इसको। ओके वाह, मेरे ही सारे रिकॉर्ड्स आपके सामने आ चुके हैं, इवान शर्मा ईमेल आईडी, पवन शर्मा ईमेल आईडी उनकी, वानी शर्मा की ईमेल आईडी एंड APK ग्लोबल हिज ईमेल आईडी।
तो ये आपका हो गया डेटा रिट्रीविंग कि डेटा को रिट्रीव कैसे किया जाता है। अब कंसर्न ये आता है कि हमारा जब डेटा रिट्रीव किया जाता है उस पर बहुत सारी कंडीशंस लगती है। कंडीशंस क्या लगती है, जैसे हम बात करें एग्जांपल में ट्रेन बुकिंग सिस्टम, तो ट्रेन बुकिंग सिस्टम में क्या होता है कि जब यूज़र ट्रेन बुक करता है वहाँ पर PNR नंबर मिलता है उसको, अगर मतलब ट्रेन बुक हो मतलब सीट कन्फर्म है या नहीं भी है तो भी PNR नंबर मिलेगा। PNR नंबर से बेसिकली वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ उसके ट्रेन का स्टेटस क्या है और उसके टिकट का स्टेटस क्या है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हम किसी सिंगल फील्ड की हेल्प से अपने डेटा को कैसे रिट्रीव करते हैं, यानी स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को कैसे फैच करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देते हैं, वी डोंट रिक्वायर दिस वन। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं रिट्रीव द स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स विद द हेल्प ऑफ वेयर कंडीशन। यहाँ पे क्या वेयर कंडीशन लगता है MySQL में, तो वेयर कंडीशन को यूज़ करके हम क्या करेंगे स्पेसिफिक रिकॉर्ड फेच करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं क्वेरी लिखते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, उस वेरिएबल में क्वेरी को पास करेंगे। मैंने लिखा वेयर क्वेरी दैट विल बी इक्वल्स टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम मेरा सब्सक्राइबर्स, स्पेलिंग मिस्टेक ना करना आप लोग टेबल को लिखते टाइम पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर। अब यहाँ पे वेयर वेयर क्या कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि मुझे इस यूज़र का क्या करिए, आप इसकी टिकट इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड कीजिए जब मैं आपको इसका PNR नंबर बताऊंगा, यानी मैं आपको बोलूँगा मैं आपको इसकी ईमेल आईडी दे रहा हूँ यूज़र की, आप मुझे इस यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए, इसका नाम बताइए, इसका एज, जेंडर वगैरह। अगर मान लीजिए मेरे पास ये सब इन्फॉर्मेशन होती तो मैं क्या करता है विद द हेल्प ऑफ ईमेल आईडी, क्योंकि ईमेल आईडी यूनिक होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ईमेल आईडी की बेस पे सारी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर लेते। तो हमने क्या किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर ईमेल आईडी इक्वल्स टू, अब ईमेल यहाँ पे क्या है इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ईमेल कॉलम का नाम है। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं इस कॉलम का नाम क्या है ईमेल, तो ये ईमेल ही होना चाहिए। ओके, अगर यहाँ पे क्या होता सब्सक्राइबर ईमेल होता तो यहाँ पे भी सब्सक्राइबर ईमेल ही लिखना पड़ता। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने दे दिया सपोज हमने क्या दिया p@gmail.com। ओके, देख लेते हैं हमारा कोई रिकॉर्ड है, हाँ p@gmail.com, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर ईमेल आईडी इक्वल्स टू p@gmail.com, और इसमें ये देखते हैं कि वेदर इट इट विल रिटर्न द डेटा और नॉट। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पता है आप क्या करेंगे, कर्जर के पास जाएंगे, कर्जर से एग्जीक्यूट फंक्शन को हिट करेंगे, और एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर आप क्या करेंगे जो भी आपकी क्वेरी है उस क्वेरी को डाल देंगे। इसके बाद मैं फॉर लूप के अंदर इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, या फिर आप एक काम कीजिए इसको डायरेक्ट ही प्रिंट करा दीजिए। एक बार डायरेक्ट प्रिंट कराते हैं, प्रिंट माई कर्सर डॉट कैच ऑल, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसको रन करते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं आपके पास क्या है इन्फॉर्मेशन आ चुकी है पवन शर्मा p@gmail.com। ओके, जिस क्या है हमने ये डाला था कि अगर हमारी ईमेल आईडी p@gmail.com है तो उसकी मुझे रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, तो आपको उसका नाम पता लग गया। ओके, नाउ इसके बाद हम बात करेंगे, ये था बेसिकली किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अगर हम रिट्रीव करना चाहते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे हाउ वी कैन अपडेट द रिकॉर्ड, हम रिकॉर्ड्स को कैसे अपडेट करते हैं। इसके लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अपडेट द रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस। देखिए जब भी अपडेट्स की बात की जाती है अपडेट का मतलब होता है हम अपने पुराने रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो पुराने रिकॉर्ड को मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हम किसी एक स्पेसिफिक कॉलम को एक्सेस करेंगे और उसके बेस पे हम क्या करेंगे बाकी रिकॉर्ड्स को अपडेट करेंगे। तो मैं चाहूँगा मैं ईमेल आईडी प्रोवाइड करूँगा यू मतलब आपको, और मैं बोलूँगा मुझे उस पर्सन का नाम चेंज कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी का एग्जांपल लेते हैं, इनका नाम क्या है पवन शर्मा p@gmail.com। तो मैं कमांड ये दूंगा अगर पर्सन की ईमेल आईडी p@gmail.com है तो उनका नाम अपडेट करके कर दीजिए पवन शर्मा की जगह राहुल शर्मा। ओके, तो अब ये कैसे करेंगे उसको हम देख लेते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं क्या करूँगा ऑब्वियसली बात है मुझे MySQL की कोई क्वेरी लिखनी होगी अपडेट की क्वेरी, और उसको मैं किस में पास कर दूंगा एक वेरिएबल में। तो मैंने वेरिएबल नेम ले लिया अपडेट क्वेरी, वेरिएबल नेम में कुछ भी ले सकता हूँ, अपडेट अपडेट टेबल नेम, टेबल नेम क्या है मेरा सब्सक्राइबर्स सेट, कॉलम नेम, अब कॉलम नेम क्या है मेरा मुझे किसको मतलब किसके अंदर डेटा को मॉडिफाई करना है,
मुझे मॉडिफाई करना है नाम को, तो नाम का कॉलम नेम क्या है, नेम, नेम इक्वल्स टू क्या, मतलब आपको क्या रिकॉर्ड मॉडिफाई करना है, क्या डेटा डालना है सिंगल कोट के अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग डेटा नेम क्या है, स्ट्रिंग है, सिंगल कोट के अंदर हमने डाल दिया, मुझे करना है राहुल शर्मा, राहुल शर्मा बाहर आइए सिंगल कोट से, यानी हमने क्या किया, अपडेट टेबल सेट नेम, नेम क्या है कॉलम नेम मेरा यहाँ पर, और न्यू रिकॉर्ड मैंने डाल दिया राहुल शर्मा, वेयर, अब वेयर किसके रेफरेंस में, मतलब आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वेयर ईमेल इक्वल्स टू, यानी उस पर्सन की ईमेल क्या होगी, आप देख सकते हैं उस पर्सन की ईमेल होगी p@gmail.com, ईमेल इक्वल्स टू, मैं रिकॉर्ड में दे देता हूँ p@gmail.com। नाउ इसके बाद आप क्या करेंगे, अपडेट क्वेरी को आपको एग्जीक्यूट करना है, तो आप सेम कर्जर के पास जाएंगे, डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल करेंगे, और इसको आप बोल देंगे, इसके पास आप पास कर देंगे अपडेट क्वेरी को। नाउ इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे, आपको अगर कनेक्शन को कमिट करना है तो आप कनेक्शन को कमिट कर सकते हैं डॉट, ताकि आपके ट्रांजेक्शन सेव हो जाए जो आपने ऑपरेशन किया है। इसके बाद इसको रन कीजिए, आप यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए, अभी तक नाम मेरा क्या यहाँ पे नज़र आ रहा है, पवन शर्मा। ओके तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा दोबारा, अब देखिए p@gmail.com का आपका रिकॉर्ड क्या नज़र आ रहा है आपको, राहुल शर्मा, कहने का मतलब है इसमें उनका नाम अपडेट हो चुका है। ओके तो अपडेट के बाद हम बात करेंगे डिलीट की, डिलीट हम कब करते हैं, जब हमें कोई मतलब पर्टिकुलर रो को डिलीट करना होता है, पर्टिकुलर रो का मतलब, अब यहाँ पे हमारे कोई सब्सक्राइबर है, मैं चाहता हूँ कि एक सब्सक्राइबर को जैसे हम ब्लॉक करते हैं, तो मैं चाहता हूँ उसको एक डिलीट कर सकें। ओके तो अब डिलीट कैसे वर्क करता है वो हम देख लेते हैं, इसको मैं कमेंट करूँगा डिलीट दी रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटाबेस, तो इसके लिए अगेन मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ डिलीट क्वेरी, क्योंकि मुझे MySQL की क्वेरी लिखनी होगी, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, अब टेबल नेम क्या है मेरा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम, टेबल नेम सब्सक्राइबर्स, वेयर मैं चाहता हूँ, अगर ईमेल आईडी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ क्या, p@gmail.com, तो मैं उस रिकॉर्ड को क्या करना चाह रहा हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, यानी कहने का मतलब है अगर मैं आपको ईमेल आईडी दे रहा हूँ p@gmail.com, तो आप इस रिकॉर्ड के रेफरेंस में जो भी रो आपकी है उस रो को डिलीट कर दीजिए। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, माई कर्सर के पास जाएंगे डॉट एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट के अंदर हम क्या करेंगे, डिलीट जो भी हमारा वेरिएबल है क्वेरी उसको पास कर देंगे, कनेक्शन को हमें कमिट करना है तो आपके ऊपर है, आप इसको कमिट कर सकते हैं। नाउ इसको रन करते हैं, देखिए मैंने आपको बोला था टेबल नेम गलत नहीं होना चाहिए, ओके और मैंने गलत कर दिया, टेबल का नाम था सब्सक्राइबर्स, मैंने सब्सक्राइबर लिख दिया और उसने तुरंत एरर दे दिया। ये अच्छी बात है कि आपको एरर्स, अगर आप एरर को आइडेंटिफाई करते हैं कर पाते हैं तो आप एक अच्छे डेवलपर हैं, और आप एरर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो प्लीज़ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको अच्छा डेवलपर बोलने लगेंगे लोग। चलिए कोई नहीं, इंडस्ट्री आपको सब सिखा देगी टाइम के साथ। नाउ इसको रिफ्रेश करते हैं, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार इसको सेलेक्ट रोज़ को दोबारा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको राहुल शर्मा का कोई रिकॉर्ड दिख रहा है जिसकी ईमेल आईडी p@gmail.com है, नहीं दिख रहा क्योंकि वो रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से डिलीट क्वेरी चलती है। अब हम इसके बाद अगर हम बात करें कि मुझे ड्रॉप चलानी है, ठीक है, ड्रॉप दी टेबल इन डेटाबेस, देखिए ड्रॉप कब चलाई जाती है, ड्रॉप चलाई जाती है मान लीजिए कोई टेबल है, टेबल आपको पूरा करप्ट हो गया या सारी फॉल्सी इन्फॉर्मेशन, जब आप क्या करते हैं आप एज अ मतलब टेस्टिंग पे काम कर रहे हैं, तो टेस्टिंग के लिए आप डमी डेटा डालते हैं, अब उसके बाद वो सारे रिकॉर्ड्स आपको हटाने हैं, तो आप क्या करेंगे, या तो आप रिकॉर्ड्स डिलीट कर लीजिए या फिर आप टेबल को डिलीट करके नया टेबल बना दीजिए। तो हम टेबल को कैसे डिलीट करते हैं कम्प्लीटली, इसके लिए मैं अगेन क्या करूँगा, एक MySQL की क्वेरी लिखूंगा ड्रॉप टेबल की, और उसको मैं एक वेरिएबल में पास कर दूंगा जिसका नाम मैंने दे दिया ड्रॉप क्वेरी वेरिएबल, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम मेरा क्या है, हाँ इस बार गलती नहीं करूंगा मैं, सब्सक्राइबर्स है, ओके ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, देन इसको एग्जीक्यूट करना है, माई कर्सर के पास जाएंगे डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल करेंगे,
आपकी ड्रॉप क्वेरी की जो क्वेरी है वो किस में पास की है हमने, वेरिएबल में, ड्रॉप क्वेरी वेरिएबल है, इसको पास कर देंगे। आप कनेक्शन को क्या करेंगे, कमिट कर देंगे। एंड इसको रन करेंगे। अब आप एक चीज़ करेंगे, यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे। ओके, अब आप देखिए कोई भी टेबल नहीं है मेरा, किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर, सब्सक्राइबर डेटाबेस में टेबल आपका डिलीट हो चुका है। तो गैस इस तरीके से आपको, मतलब आप डेटाबेस पर काम कर सकते हैं थ्रू दी वर्क बेंच। वर्क बेंच बहुत ईजी है क्योंकि यूआई पार्ट आपको मिलता रहता है और आपको क्वेरी पे सबसे ज़्यादा कमांड करनी है। अब मैं नेक्स्ट जो सेशन पे, मतलब नेक्स्ट मेरी जो वीडियो आने वाली है वो क्या है, बेसिकली मेरा कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ मेरे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया है कि हम एक नया कंटेंट प्रोवाइड करें जिसमें हम क्या करें, MySQL के जो एडवांस कीवर्ड्स हैं उनको यूज़ करें और उनको यूज़ करके आपको ये सिखाएं कि हाउ यू कैन यूज़ दी ग्रुप बाई हैविंग, ठीक है। इसके अलावा आप अगर नेस्टेड क्वेरीज को कैसे हैंडल करते हैं, जॉइंस पे कैसे काम किया जाता है, मतलब एक तरीके से एडवांस पार्ट ऑफ डेटाबेस, क्योंकि कर्ड एक बेसिक पार्ट हो जाता है। ओके, नॉर्मल क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट वगैरह वो बहुत बेसिक पार्ट है, वो हर टेक्नोलॉजी में यूज़ होगा, क्योंकि डेटाबेस तभी आपका क्या है, एक डेटाबेस बोला जाएगा, अगर कर्ड नहीं है तो देर इज़ नो डेटाबेस। ओके, तो आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और भर के कमेंट कीजिए। मैं आगे भी इस तरह की वीडियो और डालता रहूँगा और मैं पाइथन पे नेक्स्ट वीडियोस डालने वाला हूँ जिसमें मैं पाइथन का बेसिक से लेकर एडवांस पार्ट पूरा कवर करूँगा, देन स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। ओके, थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ वीडियो को।